नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। आपने वो मशहूर शेर सुना होगा, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ये दरअसल उन लड़ाकों के लिए है, उन योद्धाओं के लिए ये कहा गया है जिनकी वीर गाथाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं, जिन्होंने कुछ ऐसा कभी कर दिया होता है जिसकी दुनिया फिर जो है जिसकी वानगी देखती है और जिस पर बात करती है, जिसके उदाहरण देती है। आज मैदान पर टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों ने वही किया जिनके लिए ये शेर बना है। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं ऋषभ पंत की, जो चोट के बाद मैदान पर आए, 97 रन ठोक दिए, ऑस्ट्रेलिया से मैच छीन लिया। लेकिन उसके बाद हमने देखा विहारी और साथ ही साथ रविचंद्रन अश्विन ने क्या किया। चोट के बावजूद, भयानक दर्द में होने के बावजूद लगातार खड़े रहे और टीम इंडिया को यह मैच हारने से बचा लिया। इसी के बाद रविचंद्रन अश्विन की एक बात, उनके बारे में एक ऐसा खुलासा हुआ कि मतलब सबकी आंखों में आंसू आ गए और लोग अश्विन को सलाम करने लगे। ट्विटर पर खासतौर से अभी मैं देख रहा था, लोग सल्यूट कर रहे थे क्योंकि रविचंद्रन अश्विन की पत्नी ने खुलासा किया है। उनकी पत्नी ने ट्वीट करते हुए बताया है कि रवि अश्विन कल रात भयानक पीठ की मोच और अविश्वसनीय दर्द के साथ बिस्तर पर गए थे। जब वो सुबह उठे तो सीधे नहीं खड़े हो पा रहे थे, अपने जूते के फीते बांधने तक के लिए वो नहीं झुक पा रहे थे। मैं हैरान हूं कि आज अश्विन को ताकत कहां से मिली। सोचिए, प्रीति अश्विन ने यह कहा है, इसका मतलब उनकी पत्नी है, झूठ तो नहीं बोलेंगी। वो यही बता रही हैं कि अश्विन कितनी कल रात में दर्द में थे, पीठ की भयानक दर्द में थे और वो जब सुबह उठे तो अपने फीते तक नहीं बांध पा रहे थे, यानी झुक नहीं पा रहे थे। इतने भीषण दर्द में होने के बावजूद, इसके बाद अश्विन ने भी इस ट्वीट पर रीट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि इंस्टेंट टीयर्स, थैंक्स फॉर बीइंग देयर विद मी थ्रू ऑल दिस। यानी कि अश्विन ने बताया कि यार खुशी के आंसू हैं और उन्होंने अपनी पत्नी को और तमाम सपोर्टर्स को बहुत शुक्रिया अदा किया कि वो हर पल हर वक्त उनके साथ थे। इसके बाद और भी लोगों ने ट्वीट्स किए हैं इस पूरे ट्वीट पर। रजित देसाई ने कहा है कि कुडोस टू द चैंपियन, व्हाट अ ग्रेट। पैथोलॉजिस्ट जैमीन ने कहा है कि ही इज अ फाइटर, यानी कि अश्विन के लिए कहा है कि वो एक योद्धा है। नरेंद्र चौहान ने जो है प्रीति को कहा, उनकी पत्नी को कहा कि भाभी जी, भैया जी ने आज कमाल कर दिया, कुडोस टू द होम मिनिस्टर टू। होम मिनिस्टर कौन? यानी कि प्रीति अश्विन। उनको भी कहा है थैंक्स कि भैया आप उनके साथ थी तो देखिए कितनी ताकत उनको मिली। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे, हजारों की तादाद में है। ऐतिहासिक पारी खेल, लगातार 4 से 5 घंटे तक मैदान पर डटे रहे, अपना विकेट नहीं गवाया, बाउंसर्स झेली, हाथ पर बॉल झेली, कंधे पर बॉल झेली, कमर पर बॉल झेली, लेकिन आउट नहीं हुए। और इसीलिए पूरा देश आज उनके जज्बे को, पंत के जज्बे को, टीम इंडिया के जज्बे को सलाम कर रहा है। और अश्विन की पत्नी ने जो बताया है ये भी बताता है कि अश्विन के लिए क्रिकेट क्या है, अश्विन के लिए टीम इंडिया क्या है, अश्विन के लिए देश क्या है। इसीलिए अश्विन की ये वीर गाथा मैं तो कहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि पता चले कि ये जो पारी उन्होंने आज खेली है ना, ये ऐसे ही नहीं खेली, इसके पीछे बहुत कठिन परिश्रम था, बहुत असहनीय दर्द था, ऐसा कुछ था जो मतलब आम तौर पे आप देखते हैं कि नहीं होता है, लेकिन आज वो सब कुछ था जो बड़े आराम से उनको आउट कर सकता था। यानी वो बहाना बना सकते थे, आउट हो सकते थे, तो भी कह देते मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, या फिर पहले ही बोल देते मैं बल्लेबाजी के लिए नहीं जा सकता, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन वही है जो उनकी पत्नी ने पूछा, ताकत कहां से मिली। ताकत यहां से मिली क्योंकि ये जो है ना दिल, ये इंडिया के लिए धड़कता है, देश के लिए धड़कता है, यही अश्विन ने बता दिया है। तो बताइएगा यार, मतलब कैसा लगा आपको उनकी इनिंग्स, और मतलब जिस दर्द में, भयानक दर्द में उन्होंने इनिंग्स खेली है, इसीलिए पूरा देश उनको सलाम कर रहा है, सल्यूट कर रहा है। आप कैसे देखते हैं इस इनिंग को, आप भी बताइएगा।